हिंदुस्तान टुडे, जनता की आवाज। खबर औरैया से, जहां प्रवासी मजदूरों से भरे डीसीएम में ट्रक ने मारी टक्कर, ट्रक सवार लगभग 21 लोगों की हुई मौत। सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस, राहत कार्य और बचाव कार्य में जुटी। घायलों को सरकारी अस्पताल में कराया गया भर्ती। गंभीर रूप से घायल 15 मजदूरों को किया गया कानपुर नगर रेफर। उच्च अधिकारी भी मौके पर मौजूद। सदर कोतवाली क्षेत्र के मिहोली ग्राम के पास नेशनल हाईवे की घटना बताई जा रही है। वो एक जो छोटा ट्रक था उसमें लोग कैंटर में, लोग वो दिल्ली से आए थे जी, तो वो ढाबे के पास रुक के चाय वाय पी रहे थे। पीछे से एक ट्रक, बड़ा ट्रक जिसमें कि चिंदे के बोरे लदे हुए थे, राजस्थान साइड से आया, राजस्थान के नंबर है जी, उसमें कुछ ऊपर लोग बैठे हुए थे। वो ट्रक पीछे से आके इनसे टकराया था, शायद ड्राइवर को नहीं, जबकि अपनी कुछ आई होगी जी, साइड में था ट्रक, से साइड में खड़ा हुआ था जी, हाईवे साइड में था, उसमें भी टकराने से घटना हुई। तो इसमें जो टोटल हुआ है, इसमें 23 कैजुअल्टी हुई है जी, 15 को हमने सफाई रेफर करा जिनके ज़्यादा फ्रैक्चर है या और माइनर फ्रैक्चर माइनर, उसके 20 लोग यहाँ एडमिट है हमारे ग्रुप के पर, 20 लोग यहाँ एडमिट है जी। 15 लोग सफाई रेफर। सर अनुमानित कितना आंकड़ा पहुँच सकता है, अभी रेस्क्यू जारी है आपका, कितने सारे हो चुके हैं वहीं से? हम 2 घंटे वहीं थे तो सारा चेक कर लिया, वहाँ ऐसा कोई भी नहीं, सब जितने भी लोग थे सब यहाँ आ चुके हैं, जैसे किसी की डेथ हो गई जी, जिनको ट्रीटमेंट की जरूरत थी जी, वो सही जगह पहुँचे।